दोस्तों, आज हम ये देख रहे हैं जो MPPSC के बारे में हाई कोर्ट से जो डिसीज़न आया है, उसने क्या किया है कि जो 2019 की जो PSC परीक्षा थी, उसकी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों को निरस्त कर दिया है। और उसने बोला है कि प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है दोबारा से जारी किया जाए। अब ये क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने क्या है, जो 1994 के जो नियम थे उनमें संशोधन करके 2020 में संशोधन किया था, तो वो नियम संविधान के अनुसार नहीं थे, इस कारण इसको रिजल्ट को निरस्त कर दिया है कुछ याचिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो अब हम इस पर देख रहे हैं कि ये जो निरस्त किया है, अगर आयोग दोबारा से रिजल्ट जारी करता है तो क्या होने वाला है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, एक बार पहले हम क्या करते हैं, पुराना कट ऑफ देख लेते हैं, जो 2019 की परीक्षा हुई थी उसका क्या कट ऑफ रहा था। देखो, उस समय जो जनरल का कट ऑफ था वो 73 था, और OBC का भी सेम 73 था। ठीक है, SC का 70 था और ST का 64 था उस समय। ठीक है, अब देखो क्या है, अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर दोबारा से रिजल्ट आता है तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो, दोबारा रिजल्ट आएगा आयोग के द्वारा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जहाँ तक 2 से 3 मार्क्स का हर कैटेगरी में डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, अब ये डिफरेंट कैसे आएगा वो हम देखते हैं। देखो, जैसे जनरल का कट ऑफ 73 गया था उस समय, ठीक है, तो ये तो क्या इतने से कम तो इसका होना नहीं है, 74-75 हो सकता है, मे बी ये कट ऑफ बढ़ सकता है, ये घटेगा नहीं, जो जनरल का कट ऑफ है। ठीक है, जनरल का कट ऑफ ये रहेगा। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या होगा, अदर कैटेगरी के बच्चों को पहले शामिल नहीं किया था, तो अब इसमें अदर कैटेगरी के बच्चे आ जाएंगे। अब कैसे, जैसे जनरल की जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो भी बच्चे रहेंगे, जैसे 73 प्लस जिनके मार्क्स हैं अदर कैटेगरी वाले, 73 प्लस जितने भी हैं, 74, 75, 76 जो भी है, वो क्या है, अब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी जो सीट खाली होगी अदर कैटेगरी वालों की, तो उसमें क्या है, दूसरे बच्चों को क्या हो जाएगा, मौका मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो OBC का क्या है, 73 गया था, तो अब जनरल का 73 कट ऑफ है, तो अब OBC का 73 ना रहते हुए वो 73 से नीचे चला जाएगा, 72, 71, 70, है ना। इसी प्रकार से SC में भी यही रहेगा, SC में क्या है, 70 गया था, तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, 70, 70, 70, मतलब SC का क्या है, 70 था, तो ये अब थोड़ा नीचे चला जाएगा। इसमें क्या है, 69, 68, 67 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना इफेक्ट पड़ेगा, देखो इसका अनुमान लगाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं फिर भी। क्या है, देखो भाई, 571 पोस्ट थी, उन पर रिजल्ट जारी किया था, और सोचो उस समय इतना इतना कट ऑफ गया था, यानी कि हर कैटेगरी में बच्चों के मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इस कारण तो इतना कट ऑफ गया था। अब सिर्फ थोड़ा इफेक्ट ये होगा कि भाई जनरल में चले जाएंगे कुछ बच्चे अदर कैटेगरी के। ठीक है, तो किसके कितने जाते हैं, जितने बच्चे जिस कैटेगरी के ज़्यादा जाएंगे उसका कट ऑफ उस कैटेगरी में थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो एक अनुमान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि भाई जैसे इस बार का हम देखें, 2020 का जो कट ऑफ रहा है, 2020 का, इससे हम अनुमान लगा लेंगे, 2020 का जो भी रिजल्ट आया था जनवरी में, तो इसका कट ऑफ क्या रहा है, जनरल का 70 गया है। ठीक है, और अदर कैटेगरी की बात की जाए तो OBC का क्या है, 66 था, EWS का भी सेम था, EWS का भी इतना ही था, SC का भी 65 था और ST का 60 था। ठीक है,
अब क्या है, देखो यहाँ पे बात ये है कि इस टाइम जो 2018-19 सॉरी 20 का जो पेपर हुआ था वो थोड़ा टफ था, इस कारण बच्चों के मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आए थे, इस कारण ये कट ऑफ इस तरीके से रहा था। ठीक है, पेपर थोड़ा टफ था। ठीक है, अगर हम बात करें 2019 की, तो उस समय मार्क्स ज़्यादा आए थे बच्चों के, और 2020 की तुलना में 19 का पेपर थोड़ा सरल था, तो इस कारण उस समय इतना कट ऑफ चला गया था। ठीक है, तो वहीं पे क्या हो सकता है, 2 से 3 मार्क्स का फिर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान के चलो जनरल का कट ऑफ 73 चला गया। ठीक है, तो उसमें ओबीसी में क्या होगा, अब जैसे इस बार हम मान के चल रहे हैं कि 66 गया है ओबीसी का। ठीक है, और जनरल और ओबीसी में 4 नंबर का फर्क है। ठीक है, तो इस समय कितनी पोस्ट है, इस समय मतलब जो रिजल्ट आया था वो 260 पोस्ट पे आया था, सीधी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2019 की बात करें तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 570 पोस्ट थी। ठीक है, लेकिन एक और बात हम आपको बता दें कि 2020 का रिजल्ट है वो 20, उसमें 20 गुना सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन 19 में 15 गुना सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट, ये भी ये मतलब इफेक्ट करता है। तो अब हम देख रहे हैं, तो जैसे जनरल का मान के चल रहे हैं 73, तो ओबीसी का कितना हो सकता है, एक बात, जनरल का कट ऑफ 73 है तो ओबीसी का लगभग 69 से 70 होना चाहिए, सीधी बात है, 4 नंबर का डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पोस्ट इतनी ज़्यादा थी उस समय। ठीक है, तो 69 70 हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ, 4 नंबर का कट ऑफ मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन 14% नहीं है, 27% के हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि 4 नंबर का डिफरेंट होने वाला है। अगर 73 कट ऑफ रहता है जनरल का, अगर ये बढ़ गया 74 हो गया, तब भी हम मान सकते हैं कि 70 के करीब तो रहना चाहिए। क्यों बढ़ेगा, देखो ये बढ़ भी सकता है, घट नहीं घटेगा नहीं, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई इसमें दूसरे बच्चे आ जाएंगे ना, दूसरे कैटेगरी के, तो बच्चे तो वो जनरल में जितने सिलेक्ट करना है उतने करेंगे ना, तो इस कारण ये बढ़ सकता है 1-2 नंबर, है ना। तो लेकिन ओबीसी का तो इतना ही रहेगा। अब हम बात करें एससी की, तो एससी का कट ऑफ क्या है, जैसे मान के चलो 67 66 67 हो सकता है। क्यों हो सकता है, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंट क्यों बता रहे हैं, अभी बात करें तो अभी 5 नंबर का डिफरेंट है, लगभग 70 है ना जनरल का 2020 में, और एससी का 65 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिफरेंट रहेगा सीधी बात है वो कम से कम 6 नंबर का तो होना चाहिए, 6 या 7 नंबर का। तो यहाँ पे क्या है, एससी का जो कट ऑफ है वो 66 से 67, एक ये अनुमान है, देखो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते क्योंकि 2-3 नंबर का डिफरेंट तो आने वाला है। सिमिलरली अगर हम देखें तो एसटी का भी क्या होने वाला है, एसटी का भी यही हो जाएगा, एसटी का क्या होगा, लगभग 60 के करीब जाना चाहिए, है ना, 60 61 हो सकता है। ठीक है, तो ये 19 का हम देख रहे हैं जो कट ऑफ है इस तरीके से रह सकता है। बाकी देखो क्या है, जो इफेक्ट पड़ना चाहिए वो एक अनुमान लगा रहे हैं, और ये तभी होगा जब आयोग दोबारा रिजल्ट जारी करेगा। अब देखो अगर कहीं नई प्रक्रिया, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, वो लगभग 2019 से ये मामला चला आ रहा था, 2020 से 20 21 22, इसमें 3 साल लग गए लगभग, 24 से 28 महीने कुछ ऐसा। तो ये जो डिसीजन आया है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर सही से ये चेक मतलब क्या बोलते हैं रिजल्ट जारी करते हैं, तो भाई देखो मेरा एक अनुमान है, इतना तो कट ऑफ कम होना ही चाहिए, लगभग हर कैटेगरी में 3-4 नंबर का डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम एक अनुमान लगा रहे हैं जैसे 2020 का है। ठीक है, तो 20 में क्या है भाई, 20 में भी आप लोगों ने देखे होंगे 3-4 प्रश्न जो थे, लगभग 3 क्वेश्चन थे, उनके 2-2 मार्क्स मतलब 2-2 ऑप्शंस को सही माना, फिर भी लेकिन कैटेगरी में डिफरेंट तो पाया गया ना, पोस्ट 260 थी, पोस्ट 260 थी, तब भी कैटेगरी में 4 नंबर का 5 नंबर का अंतर है। तो
तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर भी अंतर रहेगा, यानी कि दो जो 2019 का रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ में 100% अंतर आएगा, यानी कि अगर 74 ये रहता है जनरल का तो ओबीसी का 70-69 के करीब रहेगा। ठीक है, अब ये मैं कह दूँ कि 68-67 हो जाए तो ये असंभव है ना। एससी का हो सकता है 66-67, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी और है, क्योंकि एससी के बच्चे जा सकते हैं उधर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इनका रह सकता है। एसटी का तो भाई फिर से वही 60 के करीब मुझे संभावना लग रही है ना, 60+, क्योंकि 64 तो था, अब इतना ही नंबर नीचे जा सकता है। ठीक है, अब गर्ल्स में क्या रहेगा, गर्ल्स में वो बॉयज से 1-2 नंबर नीचे जाएंगे, सीधी बात है। जैसे अब उस समय मुझे गर्ल्स का किसी कैटेगरी में ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर बॉयज़ में जितना है उससे 2 नंबर नीचे चली जाएंगी, तो गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो बॉयज़ से 2 नंबर नीचे चला जाएगा। जैसे मान के चलो जनरल का 74 रहा, न्यू कट ऑफ की बात कर रहा हूँ 73 पुराना था, देखो बढ़ना ही 73 तो मुश्किल ही है, तो गर्ल्स का यहाँ हो सकता है 72-71 ऐसा कुछ, 3 नंबर का डिफरेंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ओबीसी में भी देख सकते हैं, अगर ओबीसी का मान के चलो 69 रहा तो गर्ल्स में 66 या 67 हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार एससी की गर्ल्स का भी क्या हो सकता है, एससी की गर्ल्स का भी 2-3 नंबर नीचे चला जाएगा, मतलब लगभग 64-65 के करीब। ठीक है, ये हो जाएगा है ना। सिमिलरली आप एसटी गर्ल्स में भी देख सकते हैं क्या होने वाला है, एसटी गर्ल्स में भी 2-3 नंबर यानी कि 57-58 इतना ये इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखो नया जो कट ऑफ रहेगा, नया कट ऑफ मैं आपको एक बार बता दूं, जनरल का मेरे अकॉर्डिंग 74-75 हो सकता है, ओबीसी का लगभग 69-70 हो सकता है। ठीक है, और एससी का 66-67 हो सकता है, 66-67। एसटी का कट ऑफ क्या होगा, एसटी का क्या है ये 60-61 रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई एसटी का 60-61 तो दिख ही रहा है, क्योंकि अब मैं कह दूं कि 55 हो जाए तो ये असंभव बात है, इतना नहीं हो सकता है ना। तो अब ये रिजल्ट कब आएगा, क्या प्रक्रिया होगी, इस बारे में कोई न्यूज आती है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी समय समय पर आपको क्या है प्रीलिम्स और मेंस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तो हमने केवल कट ऑफ के बारे में चर्चा की है, आगे हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट का आज का जो डिसीजन था उसके बारे में हम लोगों ने देखा और कट ऑफ के बारे में बात की। आप लोग क्या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई क्या वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है।